मैं माँ कालका मंदिर पुंछ के इस दरबार से अपनी पूरी समिति की ओर से सभी पुंछ निवासियों को और भारतवर्ष के सब लोगों को कल से शुरू होने वाले नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी का ये दरबार जो है, इस दरबार में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार माँ का आशीर्वाद पूरे विश्व में रहता है, उस प्रकार इन नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद बना रहे, सुख शांति रहे, प्यार रहे, आपस में भाईचारा रहे। इस आस्था के साथ हम इन नवरात्रों का शुभ आरंभ जो है वो कल से करने जा रहे हैं। इस मंदिर की ये परंपरा रही है पिछले कई वर्षों से कि वो नवरात्रों के कार्यक्रम जो हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाते हैं। साल में 2 बार, चाहे वो मार्च अप्रैल के नवरात्रे हों या अक्टूबर नवंबर के, दोनों बार साल में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो माँ के भगत यहाँ पर आते हैं, माँ का गुणगान करते हैं और हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। इस बार हर पिछले वर्षों की के भांति इस बार भी हमारे जो इस माँ कालका मंदिर के अंदर जो कार्यक्रम होंगे वो इस प्रकार रहेंगे। वो सुबह 5 बजे माँ के कपाट जो है वो खुल जाएंगे। भक्तों का आना यहाँ पर सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा। फिर कथा जो है पंडित गोपाल जी यहाँ पर 7:30 बजे करते हैं, वो कथा जो है यहाँ पर आरंभ होगी। फिर दिन भर जो है यहाँ हवन का एक कार्यक्रम महात्मा जी की देखरेख में होता है। फिर हमारा जो मुख्य कार्यक्रम जो है वो शाम को 5 से 7 बजे के बीच में होता है, महाआरती का, जिसमें हजारों की संख्या में माँ के भगत यहाँ पर आते हैं। वो माँ के भजन गाते हैं यहाँ पर, माँ का गुणगान करते हैं। और वो 5 से 7 बजे का हमारा जो खास कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी समिति की ओर से आप सबको यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आपसे कि कल से 3 अक्टूबर 2024 से लेके 10 अक्टूबर 2024 तक, अष्टमी के दिन तक, हमारे महाआरती के कार्यक्रम जो है यहाँ मंदिर में आयोजित होंगे, जिसमें हमारे पुंछ के कलाकार भी और बाहर के कलाकार भी, इनका मिश्रण होगा। ये यहाँ पर अपने माँ के चरणों में बेंटे प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सबसे, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, यहाँ आए, माँ का गुणगान करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। समिति हमारी जो है वो देख, जैसा आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से दिन रात ये बच्चे सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं मंदिर को सजाने में। इसके साथ साथ ही एक और सूचना जो इस बार हम देने जा रहे हैं, मंदिर समिति ने ये फैसला किया है कि अब हर वर्ष जो है हम नवरात्रों में साल में एक बार, जब ये अश्विन नवरात्रे होंगे, अक्टूबर के नवरात्रे होंगे, इसके बाद जब दशहरा का दिन होगा, उस दिन 12 से 3 बजे के बीच यहाँ पर भंडारा हुआ करेगा। और ये कार्यक्रम हमारा इस बार पहला कार्यक्रम भंडारे का जो है दशहरे के दिन, इस बार जो 12 तारीख को होगा। मैं आपके माध्यम से इसके बारे में, आपके चैनल से हम बार बात में भी बात करेंगे। आपको ये न्योता हमारा आज भी होगा कि पहले तो आप हमारे इन कार्यक्रमों में आए 3 से 10 तारीख के बीच के, फिर जो भंडारा जो 12 बजे से 3 बजे के बीच है, उसमें भी आए, यहाँ पर माँ का प्रसाद ग्रहण करें, भंडारे में हिस्सा लें। धन्यवाद आपका। आप भी यहाँ हमारे नवरात्रों को इतनी बड़ा स्थान देते हैं आपके चैनल, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आज आपके ही माध्यम से हमारे जो कार्यक्रम है यहाँ भारत के हर कोने कोने तक पहुंचे हैं। और ये लोग मुझे वहां से, कई लोग वहां से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। जब उन्हें ये पता चलता है कि ये बॉर्डर के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर मंदिर है और इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर संख्या जो है भक्तों की आ रही है, तो वो एक अजीब सा वातावरण होता है। फिर एक बार माँ का आशीर्वाद के साथ आप सब, माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, एक बार फिर आपको पुण्य, सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले। आपका हम अति धन्यवाद रहेंगे। धन्यवाद। जय माता की।